हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज़ पीसी में ये एरर आ रहा है, अननोन यूएसबी डिवाइस डिवाइस डिस्क्रिप्टर रिक्वेस्ट फेल्ड, तो आप इस एरर को बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में से। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सल सीरियस बस कंट्रोलर, डबल क्लिक कर ये ऑप्शन को आप एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर यूएसबी रूट हब इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर से आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहां पर ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए। यहां पर आपको यूएसबी के ड्राइवर शो हो जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहां पर ये ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं, ओके। उसके बाद आपको जो है उसको क्लोज कर देना है इस तरीके से। फिर आप जो है यहाँ पर से डिवाइस मैनेजर को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको विंडोज़ की सेटिंग में जाना है, स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। फिर आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर विंडोज़ जो है अप टू डेट होना चाहिए इस तरीके से। अगर आपके पास विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।